आज प्रोडक्ट हमसे पहले आ गया, धक्का देने वाला भी तो मैं ही था। तो आज हमारे अपने पास Zebronics का रॉकेट 500, बहुत ही बड़ा स्पीकर है ये, और इसी रॉकेट पे बैठ के आज हम चांद पे जाने वाले हैं। चले तो कुछ ऐसा अपना बॉक्स आता है एंड ये स्पीकर स्पेशल एडिशन है जोकर वाला, तो साइड में फुल जोकर भैया लगा रखे हैं अपने। पीछे भी इसके कुछ खास फीचर वगैरह मेंशन है। ओ भाई साहब, खाली तो एक QR कोड मिलता है इसकी यूजर मैनुअल को स्कैन करके डाउनलोड करने के लिए, एक मिलती है हमको ऑक्स केबल और एक मिलती है USB to Type-C चार्जिंग केबल। डन आता भाई अपना रॉकेट। ओ भाई क्या ही बम है भाई ये पन्नी पुन्नी डाले भाई, पहली लुक में ना अलग ही चीज लग रही है ये, सही बता रहा हूँ। रख के एकदम बिल्कुल बवाल चीज है भाई। तो यहाँ पर भी स्पेशल एडिशन के लिए जोकर बिल्कुल एकदम छाप रखा है, ये हा बिल्कुल लिखा हुआ है हर जगह भाई। इसमें एक ब्लैक एडम वाला भी आता है, तो बेसिकली डीसी के लिए स्पेशल एडिशन है। मैं इतना बड़ा डीसी का फैन नहीं हूँ, मैं भाई एमसीयू फैन हूँ, पर अगर तुम डीसी फैन हो तो तुम्हें काफी ज्यादा एकदम दिल के तार जुड़ते हुए दिखेंगे। और इस स्पीकर को देखने के बाद डीसी देखने का मन कर रहा है मेरा, मतलब हर जगह ना स्पेशल एडिशन की सारी चीजें एकदम छलका रखी है उन्होंने, लगता है अलग कुछ अलग है ये। ऊपर हमें एक स्ट्रैप मिलता है इसको उठाने के लिए, बेसिकली काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ये, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एकदम लेदर के मटेरियल का यूज कर रखा है इसको बनाने के लिए, एंड यहाँ पूरी एकदम स्टिचिंग वगैरह कर रखी है प्रॉपर। इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि ये रिमूवेबल है, मतलब भाई ऐसे बटन को खोलो तो कुछ इस तरीके से इसको डिटैच भी कर सकते हो अपने मन के हिसाब से। बाकी जहां पर ये जोकर लिखा हुआ है ना, ये पूरा एकदम मैट फिनिश के अंदर आता है एंड काफी एक सॉफ्ट सा टच है यहाँ पर डेफिनेटली। एंड ये पूरा जो पार्ट है ना बीच वाला, ये सारा वुडन का है, साइड में हमें प्लास्टिक का पार्ट मिलता है इसके, एंड नीचे हमें यहाँ पर दो रबर ग्रिप भी मिलती है, तो इससे इसको खड़ा कर सकते हैं बेसिकली। एंड अगर इसे टेढ़ा करना चाहो तो ये ऐसे टेढ़ा भी हो जाता है। और यहाँ लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर इसके हमें सबवूफर मिलते हैं, सब कुछ एक ही में इंटीग्रेट कर रखा है ना। एंड यहाँ सामने की तरफ मिलते हैं हमें दो स्पीकर, और यहाँ पर बिल्कुल एकदम सारे कंट्रोल्स वगैरह सारी चीजें रखी है। एंड यहाँ पर मिलती है एक आयरन की मैश, प्रॉपर मेटल की है, एंड यह Zebronics की ब्रांडिंग। नीचे वाले को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमें पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, एंड ये इसके सारे बटन्स वगैरह हैं जहाँ से तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, पेयरिंग वगैरह, ऑन ऑफ वगैरह हर चीज, एंड ये वॉल्यूम वगैरह के लिए। ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश है ना, वो काफी ज्यादा तगड़ी लगी मेरे को, मतलब डेफिनेटली हाथ में पकड़ते ही फील होता है कि भाई कोई चीज ले रखी है तुमने खतरनाक सी। स्पेशल एडिशन होने की वजह से एक अलग ही फंकी सी लुक आती है, अगर तुम बीच बीच पे जा रहे हो ना तो इसे लेके घूमोगे ना लोग अट्रैक्ट होंगे डेफिनेटली। ऑन कहां से होता है? Zebronics for life. Bluetooth mode. Zebronics for life. Rocket is now connected. बस तो ये जो अपने साइडों वाले सबवूफर्स है ना भाई, इनके अंदर RGB लाइटें चेंज होती रहती है, देखो यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, और ये अपने आप चेंज होती रहती है अपने हिसाब से, मतलब है। और अगर तुम गाना वाना चलाते हो तो ये गाने के हिसाब से चेंज होती है फिर। तो ये सारी चीजें ना मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है इसको। एंड अगर वेट की बात करें तो कुछ 1.7 kg के आसपास का इसका वेट है, तो डेफिनेटली भारी तो ये है, लेकिन ये जो स्ट्रैप इन्होंने दिया है ना, जिस क्वालिटी का ये स्ट्रैप दिया है, इसको पकड़ के जब भी तुम इसे उठाओगे ना, मतलब कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा फील नहीं होता अगर तुम इसे उठा करके घूमोगे तो। बाकी कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर हमारे पास है ब्लूटूथ 5.0, वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ यूज कर सकते हो, एंड काफी सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। और इसमें हमें एक TWS फंक्शन भी मिलता है, बेसिकली ऐसा ही अगर तुम्हारे पास एक सेम स्पीकर है ना Zebronics का, तो तुम उसके साथ इसे पेयर करके दोनों स्पीकर के अंदर सेम तरीके की साउंड बजा के बेसिकली पेयर वेयर करके मतलब मजे ले सकते हो, जैसे ईयरफोन में करते हैं वो चीज। बाकी इसमें USB पोर्ट है, तो कोई पेन ड्राइव वगैरह से अगर गाने वाने चलाने वो भी हो जाएंगे। FM भी है इसके अंदर, ऑक्स का पोर्ट भी है, और एक माइक इनपुट भी है, तो जो जागरण वागरण में माइक वाइक यूज होते हैं ना वो वाला। पता नहीं कौन से वाले माइक का है, वेबसाइट पे चेक कर लेना एक बार। और एक मिलता है टाइप सी चार्जिंग के लिए, और साउंड के लिए इसके अंदर हमारे पास है 76.2 mm के ड्राइवर्स, तो डेफिनेटली ड्राइवर का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि किसी भी एक पोर्टेबल स्पीकर से तुम्हें बहुत ही बड़ा लगने वाला है बेसिकली। एंड टोटल जो आउटपुट ये स्पीकर निकाल के देता है वो है 20 watts का, मतलब दोनों मिलकर 10-10 watt का आउटपुट निकालते हैं, तो टोटल 20 watts का आउटपुट मिल जाता है। और मेरे पास ये MI का स्मार्ट स्पीकर है, ये भी 20 watts का आउटपुट निकालता है, डेफिनेटली काफी ज्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट साइज में आता है, बट 20 watts के हिसाब से इसकी आवाज इसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी मतलब अपने हिसाब से इसकी भी अच्छी है, बट भाई ये जो चीज है ना खतरनाक लग रहा है ना, तो इसकी आवाज भी उस हिसाब से आती है। एंड ये सारे ऑडियो फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करता है, क्योंकि ये वायरलेस स्पीकर है, बिल्कुल पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हो। तो बैटरी मिलती है इसके अंदर जिसको तुम रिचार्ज कर सकते हो, और ब्रांड क्लेम करता है कि भाई 6 घंटे का बैकअप ये तुम्हें निकाल के दे देगा अगर ये RGB बंद रखते हो और 50% वॉल्यूम पे इसे यूज करते हो। मैंने जितना भी यूज किया, मैंने तो देखो पूरी RGB ऑन रखी थी, 60-70% के आसपास में वॉल्यूम में मैंने इसे गया, तो यू समझ सकते हो कि भाई 4-5 घंटे तो मिल ही जाएगा तुम्हें, मिनिमम 4 घंटे तो मिल ही जाएगा, एंड चार्ज होने में इसको कुछ 3 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। बाकी अब इसका एक बार साउंड टेस्ट कर लेते हैं, बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा ना DJ कनेक्ट किया जाए।
पता नहीं तुम्हें कितने फील हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर भाई सामने पड़ा था ना, बिल्कुल टेबल वेबल हिला दी इसने, इतनी तगड़ी बेस आ रही थी। और आरजीबी तुमने देख ही लिया कि मतलब कैसे चेंज होती है ये गाने के हिसाब से, वो भी एकदम डीजे वाला पूरा इफेक्ट देती है भाई, वो काफी ज्यादा तगड़ी लगती है। 20 वॉट के आउटपुट को जितना ज्यादा तगड़ा निकाला जा सकता है ना, वो इसमें निकाल रखा है, चाहे वो बेस के मामले में हो, लाउडनेस के मामले में हो, या फिर भाई किसी भी चीज में हो। तो इसके अंदर हम सिर्फ वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इस वाले लीवर से हो जाती है, पर बेस और ट्रेबल को हम खुद से एडजस्ट नहीं कर सकते, वो इसके अंदर प्री डिफाइंड है, पहले से ही सेट होकर के आती है। बाकी मुझे बिल्कुल बैलेंस लगी, ट्रेबल भी बढ़िया आ रही थी एंड बेस तो खतरनाक आ रही थी बेस भी, और लाउडनेस भी मुझे काफी अच्छी खासी लगी। यू समझ सकते हो कि एक 10x10 का अगर तुम्हारा कमरा है ना, तो पूरे कमरे में मस्त आवाज आएगी तुम्हारे, उससे बड़े कमरे में हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी कम लगे आवाज, लेकिन मेरे स्टूडियो के हिसाब से जितना बड़ा मेरा स्टूडियो है उसको तो भाई तगड़ा हिला देता है, मतलब खतरनाक आवाज है उस हिसाब से। एंड वोकल्स भी काफी क्लियर आते हैं, अगर तुम लाइक कोई डायलॉग वाली मूवी या सीरीज वगैरह भी देखते हो ना, तो उसमें भी तुम्हें वोकल्स वगैरह में कोई कमी नहीं मिलेगी, ओवरऑल साउंड आउटपुट में तगड़ा है। अभी बीच में हमने एक होम थिएटर रिव्यू किया था इसका 5.1 चैनल, उसकी बहुत तगड़ी आवाज थी, और इसके अंदर भी डेफिनेटली काफी तगड़ा काम करा है ज़ेब्रोनिक्स ने। अब अगर मुद्दे की बात करें कि क्या ये स्पीकर तगड़ा है या नहीं, मतलब लेने लायक है या नहीं, तो देखो यार 3,000 रुपए के आसपास का इसका प्राइस है, और उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो डेफिनेटली यार तुम्हें इस बजट में ना काफी तगड़े स्पीकर मिल जाएंगे, मतलब इससे ज्यादा आउटपुट वाले मिल जाएंगे, तो इसे कंसीडर करने का क्या फायदा। पहली बात तो ये कि यार देखो ये पोर्टेबल है, मतलब बैटरी वैटरी मिलती है इसके अंदर, केबल वेबल लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी एकदम ऑन द गो तुम चालू करके बैठ जाओ और गाने वाने सुन लो, मजे ले लो, लाइक ट्रैवल वगैरह अगर करते हो ना, तो लिए काफी ज्यादा तगड़ी चीज है। एंड इसका साइज बड़ा होने की वजह से ये बेनिफिट है कि इसका जो साउंड आउटपुट है ना और साउंड सिग्नेचर है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा आता है, लाइक बेस जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है इस वजह से, मतलब एक मिनी पार्टी वगैरह भी अगर तुम करना चाहो ना, तो इसके साउंड से वो चीज कर सकते हो। तो अगर एक पोर्टेबल स्पीकर ढूंढ रहे हो ना, जिसमें तुम्हें मतलब सारे तरह की कनेक्टिविटी मिले और साउंड आउटपुट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मिले, तो तुम डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सही था इसके साथ, मतलब लेने के बाद ना उम्मीदों से ज्यादा लगेगा तुम्हें ये चीज, ऐसी चीज है ये। तो यही था कुछ अपने ज़ेब्रोनिक्स के पार्टी वाले स्पीकर के बारे में। अगर तुम्हारा खरीदने का मन करे तो खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन ग्रे करके बेल आइकन पे ऑल, और हम मिलेंगे तुमसे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय।